अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है अभी तक, क्योंकि हम लोग उसकी उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे ये कितने लोगों पर मुकदमा, कितने लोग जेल गए, हमारे 14 नौजवान जो हैं जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक एक सब एक एक विषय इंपॉर्टेंट है, तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथी को भी कहूँगा, ये रंगमंच नहीं है, ये आने वाले भविष्य का फैसला, ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और तब खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा, तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा, मुझसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझे, उसकी स्थिति को समझे और फिर फैसले लें। अभी इस पर हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस भी पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है, हम लोग जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे, इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का काम करता हूं।